यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर सोनीपत से हमारे पास आ रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सोनीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि शराब के ठेकेदार से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रसोई गांव के मनोज नामक युवक से फोन पर यह फिरौती मांगी गई है। बड़ी खबर आपको सोनीपत से दे रहे हैं, ठेकेदार ने पुलिस को शिकायत भी दे दी है, फिरौती यहां पर मांगी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। कुलदीप सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? अभी तक यही जानकारी मिली है, किसी अज्ञात फोन व्यक्ति ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है अगर 10 दिन के अंदर 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तुमको जान से मार देंगे। इसमें शराब कारोबारी ने पुलिस में शिकायत देकर मामला दर्ज करवा दिया गया है। जी बिल्कुल कुलदीप, तो इस पूरे मामले की पुलिस को जानकारी दी गई है क्योंकि फिरौती मांगी जा रही है। जी, पुलिस को जानकारी दे दी गई है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है, जल्द ही जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, अभी तक जो पूछताछ हुई है, अभी तक जो बातचीत हुई है ठेकेदार और ने जो पुलिस को शिकायत दी है उनके बीच में, अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? अभी तक यही सामने निकल कर आया है, कुछ कल रात करीबन 7-8 बजे करीब किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया शराब कारोबारी को और उससे कहा 2 करोड़ रुपए दे दो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, तो मेरे पास 10 दिन का टाइम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो सोनीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, फिरौती यहां पर मांगी गई है। 2 करोड़ की फिरौती एक ठेकेदार से मांगी गई है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, अब देखना होगा कितने वक्त में गिरफ्तारी अब हो पाती है जो भी फिरौती मांगने वाले थे उनकी।